के। क्या नाम बच्चा? मेरा नाम है धर्मराज एडवोकेट। कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले हरियाणा के हैं, दिल्ली में 44 साल से रह रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, क्या लगता है, चुनाव एकदम नजदीक है, बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार? बिल्कुल सही कह रही है, अब की बार 404 फिर बनेगी मोदी सरकार। अच्छा, अलग जागे नरेंद्र मोदी सबसे आगे है और विरोधी लंदन इटली कनाडा में भागे हैं। अच्छा, केजरीवाल जी कह रहे हैं जीरे बना रखे हैं, संपत्ति खरीद रखे हैं, स्विस बैंक भर रखा है। अच्छा, वहाँ पहुंचेंगे सारे, जैसे पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष भी तो लंदन में भागते हैं। अच्छा, वहाँ माल भेज देते हैं, प्रॉपर्टी लेते रहे, जितने भी राष्ट्राध्यक्ष पाकिस्तान के हुए कहाँ भागे, लंदन में। ये लंदन भी जाओगे, कुछ इटली जाओगे, कुछ स्विट्जरलैंड जाएंगे, कुछ जाएंगे कनाडा। अच्छा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कानूनी तरीके से अगर किया जाए तो ठीक है, लेकिन जो है CBI और ED सत्ता पक्ष के दबाव में केजरीवाल के पीछे पड़ी है। मेरे पीछे तो नहीं पड़ी, आपके पीछे तो नहीं पड़ी। क्यों कहा था इसने खोलेंगे पाठशाला और खोल दी मधुशाला, कुछ हुआ ना, गड़बड़ हुई ना, शराब में घोटाला किया ला, कंपनियों से माल खाया ला, तभी तो कर रही है। और फिर पूछताछ कर रहे, पूछताछ कराता क्यों नहीं? केजरीवाल जी का आरोप है कि उनके विधायकों को खरीदा जा रहा था, विपक्ष जो है बीजेपी वाले खरीद रहे थे। तो उस क्राइम ब्रांच को सबूत क्यों नहीं देता, लॉज क्यों नहीं कराता FIR, CBI को क्यों नहीं कंप्लेंट करता? वो तो खुद छुपा छुपा फिर रहा है, आंख मिचोल नहीं कर रहा है CBI के साथ, ED के साथ आंख मिचोल नहीं कर रहा है पिछले एक साल से। वो तो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले पहले हमें गिरफ्तार कर लेंगे ताकि हम लोकसभा चुनाव का प्रचार न कर पाए। तो ऐसे काम क्यों करे, क्यों कसम खाई थी कि बंगला में नहीं रहूंगा, VIP गाड़ी नहीं लूंगा, VIP ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, क्यों अपने बच्चों की कसम खाई थी? वो जीतते साथ 52 करोड़ का बंगला बना दिया, कि हम ट्रीटमेंट भी ले ली, VIP गाड़ी भी ले ली, कट्टर के अपने शब्द दे। अच्छा, मैं तो करूँ 52 का नहीं, 555 करोड़ का बनाना था बंगला, लेकिन कसम क्यों खाई थी अपने बच्चों की? ऐसा आदमी का कौन विश्वास करेगा? अपने गुरु अन्ना हजारे का भी अपमान कर दिया इन्होंने तो आज, केजरीवाल ने अन्ना हजारे को तो अपने गुरु मानते थे, उनका भी अपमान। ईमानदार हैं केजरीवाल जी कहते हैं। कौन कह रहे हैं? कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते हैं केजरीवाल जी, कह रहे हैं ईमानदारी के साथ दिल्ली में काम करना चाहते हैं, करने ही नहीं दे रहे बीजेपी वाले। ईमानदार होते ना, आज प्रवर्तन निदेशालय और CBI जैसे मामले में फंसते नहीं। मैं सही बात कह रहा हूँ ये, क्योंकि आज केजरीवाल अब फंस चुका है। और मैं तो जनता से कहता हूँ, अगले साल विधानसभा चुनाव है, ऐसी मात दो कि अगले साल बीजेपी दिल्ली में आ जाए और केजरीवाल जैसे ढोंगी पाखंडी को वो प्रवर्तन निदेशालय और CBI जैसी प्रशासनिक संस्थाओं में उसे जेल में डालें। राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय जो है आपने देखा होगा ट्रेंड में है, युवाओं की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, असर डाल पाएगा 24 में? पहले आए उन हमारे सबसे पहले जो 11,000 सिख भाई 84 में हमारे थे, विधवाएं बना दी थी, भाइयों के भाई बापों के बेटे छीन लिए थे इन्होंने, पहले वहाँ न्याय करे ये 65 साल में क्यों नहीं न्याय करा? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था क्यों नहीं किया? राजीव गांधी प्रधानमंत्री था जो क्यों नहीं किया? नरसिम्हा राव क्यों नहीं किया? कितनी बर्बरतापूर्वक सारे घूम रहे हैं, कुछ तो मर गए इनके, वो HKL भगत और वो धर्मदास शास्त्री, सज्जन टैटलर जैक्सन, ये कमलनाथ जो CM था यहाँ का इनका, और उसके बाद ये और खरड़ था यार नजफगढ़ में है, सारे घूम रहे हैं, सारी सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, सारी जो है जनता को पता है, सारे भारत को पता है इन्होंने कितना जुर्म किया था। पहले वहाँ न्याय करे, फिर न्याय की बात कर। कांग्रेस का तो अस्तित्व भी मिट चुका है, उन्होंने अपनी राजनीति बुनियादी ढांचे गड्ढे में डाल चुके हैं, उनका कोई वो नहीं बचा है। मैं सही बता रहा हूँ, बेरोजगारी, अरे 6 साल बाद उनकी पेंशन आ जाएगी, अपनी पेंशन खाए बढ़िया। साल में बेरोजगारी थी, किसने बढ़ाई? 65 साल राज किसने किया? उस समय बेरोजगारी बढ़ी है, उसी टाइम की महंगाई है, $1 अमरीका का 1947 में इक्विवेलेंट था, ₹83 पे कौन लेके गया? महंगाई बहुत ज्यादा है राहुल गांधी के। नहीं, महंगाई अगर है तो कारोबार भी तो है, कमाई भी तो है,
महंगाई है तो कारोबार भी है और महंगाई रुपए किलो आलू है। मैंने मनमोहन के राज में 60 रुपए किलो आलू खरीदा है, मैंने 120 रुपए किलो प्याज खरीदा है, आज प्याज 20 रुपए किलो है, घिया 20 रुपए है, इतनी सस्ती सब्जी तो मैंने कभी देखी नहीं कांग्रेस के राज में भी। युवा बेरोजगार है, ये महंगाई महंगाई कर रहे हैं ना, वो सिद्धू गया था ना पाकिस्तान में, वहाँ देख के आया महंगाई और यहाँ फैला रहा है उस बात को। वहाँ 160 रुपए किलो आटा है, मेरे भारत में 30 रुपए किलो आटा है, वहाँ 30 रुपए की रोटी है, यहाँ 7 रुपए की रोटी है, तो महंगाई कहाँ है? पाकिस्तान में। राहुल गांधी को बोले, उन्हें राहुल गांधी को पाकिस्तान भेज दो, वहाँ अपनी न्याय यात्रा बेहतरीन कर रहे हैं, मूल्यों में पिटेंगे ना कुटेंगे। पानी पार्टी है कांग्रेस का है, भेज दें पाकिस्तान, वो पाकिस्तान लायक ही है वो, साउथ अफ्रीका जाएगी ये लेके जाएगा। वो टैची उठा रहा था ना उसकी कुल्ली की, लाल कोट पहन के, अरे लाल कोट पे उसमें डाल के इसको साउथ अफ्रीका वापिस ले जाएगा। इटली में इसके नाना जी हैं, दादा जी हैं, उनके पास चले जाएंगे। वीना कांग्रेस नाम की साउथ अफ्रीका में संस्था थी। अच्छा, कौन लिया था? ए ओ हुम आजमगढ़ का कलेक्टर अंग्रेजी अधिकारी, और वो इसको वीना को छोड़ा कांग्रेस को ले आया। ये राहुल गांधी तो कांग्रेस की हिंदी का नहीं पता, कांग्रेस का अर्थ क्या है? अच्छा, आप सारे डिक्शनरी में पढ़ना कांग्रेस का अर्थ क्या हिंदी में, जहरीला पौधा।